दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया का नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जल्द ही देश की नेवी में शामिल होने जा रहा है और उसके लिए इंडिया को एयरक्राफ्ट्स की भी ज़रूरत है। अभी रशिया ने कहा है कि उसे इंडिया की तरफ से MiG-29 डेक बेस्ड फाइटर जेट्स की डिलीवरी के लिए कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। इसके ऊपर रशिया कहना है कि उन्होंने इंडियन साइड को सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है एक पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इससे पहले एक इंडियन न्यूज़पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया के इंडियनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की डिलीवरी अभी एक्सटेंड कर दी गई है क्योंकि रशिया की तरफ से एविएशन इक्विपमेंट आने में कुछ इश्यूज हो गए हैं। इंडिया ने अभी तक डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए कोई टेंडर इशू नहीं किया है, लेकिन इंडिया ने 2017 में इसके ऊपर एक रेलिवेंट इंक्वायरी की थी रशिया के बिहाफ के ऊपर। रशिया का आम सेलर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट इस टेंडर में भाग लेगा। इंडिया के प्लान्स के मुताबिक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत इंडियन नेवी को मार्च 2021 में डिलीवर हो जाएगा। ये वॉरशिप 14 MiG-29 के फाइटर जेट्स कैरी कर सकेगी और बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स कैरी कर सकेगी। इससे पहले रशिया ने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य के लिए MiG-29 के फाइटर जेट्स डिलीवर किए थे। इंडिया को तकरीबन 57 डेक बेस्ड फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, जिसके लिए अमेरिका ने अपने F-18 फाइटर जेट और फ्रांस ने अपने राफेल M फाइटर जेट और रशिया ने अपने MiG-29 के फाइटर जेट को ऑफर किया है। इंडिया को अपने 57 फाइटर जेट्स खरीदने इन ऑप्शंस में से चूज करना होगा। INS विक्रांत इंडिया का एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है। हाल ही में खबर आई थी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर का स्ट्रक्चरल काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें सभी इक्विपमेंट भी लग गए हैं और बहुत जल्द ही इसके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।